सो हे गाइस, सो व्हाट्सअप गाइस, तुम्हारा भाई फिर से आ चुका है नए वीडियो के साथ। और पीछे दिख रहे हैं दोबारा अगेन फिर से आ चुके हैं मेरी वीडियो में। एंड आज जाने वाले हैं मंदिर। कौन से मंदिर जाने वाले? तल्ला मंदिर जाने वाले हैं। तो कोई जीप नहीं मिली, हम वेट कर रहे थे और हमने सोचा प्लान किया पैदल ही चले थे, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस है, 15 मिनट का रास्ता है। तो गाइस, अभी रास्ते में जगह पड़ती है तल्ला मंदिर के बिल्कुल बीच में, एंड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड पेड़ पेड़ लगे हुए हैं और बहुत जबरदस्त लोकेशन है। अभी जहाँ पर स्टिल मैं खड़ा हूँ, मेरे बैक एंड पे ध्यान से ऑब्जर्व करना, इंडिया का मैप बनता है बिल्कुल बैक साइड देखना, जो पेड़ की जो शेप बन रही है वो बिल्कुल इंडिया के जो मैप की तरह बिल्कुल उसी की तरह डिट्टो दिखने वाला है। एंड जो लोकेशन है गाइस, वो बहुत जबरदस्त लोकेशन है। तो गाइस, फाइनली हम तल्ला मंदिर पहुंच चुके हैं। इनसे ही पूछते हैं यार, मैं तो 2-3 बार आ चुका हूँ दर्शन करने, ये आ रही है फर्स्ट टाइम, आई थिंक परसों भी ऐसे सेकंड टाइम इनका यहाँ पर आए हैं। एंड देन यहाँ से चलते हैं मंदिर की ओर। तो फिर चलते हैं मंदिर से, यहाँ से ये मेन गेट है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गेट पे, अब चलते हैं मंदिर के दर्शन करने। यार ये बहुत जाते फाइनली हम ले चुके हैं जो मंदिर में हमें चढ़ाना है, जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं। मैं शॉप से लेके आ चुका हूँ एंड इसे हम चढ़ाने वाले हैं मंदिर में। एंड गाइस, फिर उसके बाद हम मंदिर के दर्शन आपको कराएंगे। मंदिर के गेट पे पहुँच चुके हैं, बैक एंड पे आपको दिख रहा होगा मंदिर का गेट। एंड ये बहुत अट्रैक्टिव है, यू नो, दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं दर्शन करने आते हैं। देखा, हमने सुन लिया। एंड गाइस, हम भी आज चलने वाले हैं यहाँ मंदिर के दर्शन करने आए, और स्पेशली हम जा रहे हैं मंदिर मतलब दर्शन करने भगवान के। एंड चलते हैं फिर यार, दिखाते हैं आपको यहाँ का मतलब व्यू। शूज हमने रख दिया एंड चलते हैं मंदिर की तरफ और मंदिर के दर्शन कराते हैं। सो गाइस, अब ये इस पेड़ के बारे में बताने वाली है लड़की जो आपको। हे गाइस, ये काफी पुराना पेड़ है, कल्प वृक्ष नाम है इसका। यहाँ पे लोग मन्नत मांगने आते हैं, जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है चुनरी टकाते, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो तूने भी चुन्नी टांगी होगी आई थिंक। अच्छा, ये टांग दी। हाँ। चल बढ़िया, तो इन्हें चुन्नी टांग दिया है। तो भाई, आप मेरे बैक एंड पे देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है देवभूमि उत्तराखंड के लोक देवता मंदिर समूह मानिला। तो भाई, इसके अंदर हम जाने वाले हैं, इसके अंदर दिखाते हैं आपको कितने देवी देवता को स्थापित किया गया है। तो चलते हैं फिर हम देखिए। देख रहे होंगे भी यहाँ पर क्या मतलब व्यू है सारे मंदिर में, मतलब देख देखता हूँ। देखिए, मानला माता का जो मंदिर है वो आदिशक्ति पीठ है। आदिशक्ति पीठ में मानला माता विराजमान है और यहाँ पे काफी सारे श्रद्धालु आते रहते हैं। जितने भी टोटल देवी देवता है उन्हें यहाँ पर स्थापित किया गया है, और उनके नीचे बकाया तौर पर नाम भी लिखे गए हैं, किसी ने बनवाया है पूरे स्टेट में। और मैं यही कहना चाहूँगा यहाँ पे कि अपने एड्रेस, अगर कभी भी आप मानला विजिट करते हैं तो इस मंदिर में आना या सेवा करना, बिल्कुल आना, आपकी आयोग की मान्यता भी पूरी हो जाए, आयोग बिल्कुल होगी। आप देख रहे होंगे दो मंदिर दिख रहे होंगे, बहुत पुराने मंदिर है, पांडवों के टाइम का बनाए हुए मंदिर है कहते हैं। तो मैंने भी सुना और मैं भी आपको बोल ही रहा हूँ, जो मंदिर में क्या है कि यहाँ पर आप अगर आप कान लगाते हैं तो आपको आवाज़ सुनाई देगी यहाँ पर दोनों साइड। सो गाइस, इसके अंदर आवाज़ सुनाई देती है, यानी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर रही है लड़की एंड ये बताएगी, उसके बाद हम इसे पूछने वाले हैं। आवाज़ सुनाई दी? हाँ, थोड़ी। अच्छा, हल्की हल्की सुनाई दी? तो मैं ट्राई करता हूँ और मैं देखता हूँ, क्योंकि काफी बार आ चुका हूँ, मैं यहाँ ध्यान नहीं दे जाता, बट आज हम ट्राई करने वाले हैं कि सुनाई देती है या नहीं सुनाई देती। सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई दे रही है। ढोल दमाओ की आवाज सुनाई दे रही है। सेकंड वन ये है, इस पे हम ट्राई करने वाले हैं। तो गाइस, फाइनली आवाज़ सुनाई दे रही है। और तो गाइस, फाइनली मैंने आपको मंदिर के दर्शन करा दिए एंड इन्होंने बताया, सब कुछ बता दिया मंदिर के बारे में। तो गाइस, वीडियो एंड करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। वीडियो और अच्छी लगी तो कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इनको फिर से लेके आएंगे दोबारा अगेन। एंड बाय बाय एंड टेक केयर।